अलैकुम जी, फाइनली आज हम पब्लिक न्यूज़ के ऑफिस पहुंच गए और बहुत अरसे से हम प्लान कर रहे थे हजार भाई के साथ जो है ऑफिस टूर प्लान करें पब्लिक न्यूज़ का, और देखें कि न्यूज़ एंकर जो हैं वो कैमरे के पीछे क्या करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं। स्क्रीन के सामने तो हमारे सामने एक मंजर आता है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या मेहनत होती है और क्या क्या काम होता है, टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, क्रोमा की क्या होती है, सारी बातें जो है अभी हम वजहत भाई के साथ हम देखेंगे। बहुत ही प्रति मेहरबान, थैंक यू सो मच। तो चलें अंदर देखें। सबसे पहले यहाँ से हम नॉब को लगवाते हैं अपनी रेडी से कूलर के, और आए आपको दिखाते हैं जो खूबसूरत बनाने में इनका मरकजी किरदार है। हमारे भी वेट है, हम चैनल के लिए सिल्वर बटन पब्लिक न्यूज़ माशाल्लाह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जो है ना वजह अपनी सीट पे जहाँ से अपने पड़ते हुए हमें नजर आते हैं और जहाँ पे सारा इनका प्रोसेस है न्यूज़ का, अब हम इनके जा रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो में। तो वजह भी इधर अपना दिखाएं कि आप उससे पहले कैसे प्रेपरेशन करते हैं न्यूज़। अब वो हिस्सा आ गया जहाँ पे सारी तैयारी के बाद आखिरी मरहला हमारा होता है, वहाँ से हम आके न्यूज़ करते हैं और ये अपना न्यूज़ स्टूडियो आपको दिखाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि हमारी स्क्रीन पर जो हमारे सामने आ रहा था बिल्कुल रंगारंग एक बिल्कुल स्टूडियो का मंजर, लेकिन अंदर में असल है क्या और सारी जो वॉल्स हैं वो किस कलर की होंगी, ये एक सरप्राइज है बहुत से लोगों के लिए जो क्रोमा की जिसको हम बोलते हैं। तो आइए एग्जैक्टली हम देखते हैं क्रोमा की व्हाट एग्जैक्टली इज। आपकी दोस्ती नहीं होती, जब फ्रेंडशिप कैमरे से हो जाए फिर आप खेलते हैं आपको मजा आता है। अच्छा, अब एग्जाइटी तो नहीं होती लेकिन एक्साइटमेंट होती है, जाहिर बात है कि आप ऑन एयर जा रहे हैं। सबसे पहले आप आए थे, जब सबसे पहले पहली बार आपने सीट पे बैठना था और कैमरे का सामना करना था, बहुत से लोग आपको देख रहे थे, आपके बॉसेस भी आपको जज कर रहे थे, उस टाइम में क्या कैफियत थी? मुझे अभी तक वो मंजर बिल्कुल आंखों के सामने मेरे बिल्कुल वो आया है। ये था कि जब मैं बैठा हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे सर ने कहा कि आज अब न्यूज आपने करनी, मुझे एक घंटा पहले पता नहीं था कि 4 बजे वाली न्यूज मैं प्रेजेंट करूँगा। तो एक दफ़ा सुन के तो वो मेरे सारे आसाब जवाब देखे कि यार वाकई मैं जा रहा हूँ, उसका एक अपना प्रेशर होता है। लेकिन जब मैं सीट पर बैठा और अभी माइक लग रहा था तो टांगे मेरी लिटरली कांप रही थी, एक्साइटमेंट भी थी लेकिन एग्जाइटी भी थी कि इतनी दुनिया आपको देख रही है। और मुझे याद है कि जब मैं ऑन एयर हुआ तो हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ से आतिफ साहब, वो बार बार मेरे कानों में यही बात कह रहे थे कि यार जितने मर्जी भन जाएं घबराना नहीं है, फंबल होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन एक्सप्रेशंस जो है ना आपने अपने सही रखने। वो मामला जो है ना बड़ा फंबल किया, कभी फंबल थोड़ा तो किया होगा, कभी ना कभी गलती हुई होगी। जब आप लाइव होते हैं आप मशीन में भी गलती करो, आप हुसन बना देते हैं, ये लाइव का एक हुसन होता है और वाकई ही में ऐसा होता है। अच्छा, कि रिकॉर्डेड हो तो उसमें तो मार्जिन होता है आप, लेकिन जब आप लाइव होते हैं आपके पास मार्जिन नहीं होता, जो आप बोल रहे हैं वो आपकी ज़बान से निकल रहा है, तो बतौर बशरी तकाजे या जो ज़बान में दुगनत आ जाती है आपकी, तो अक्सर ये और ख़ास तौर पर जब पहला बुलेटिन होता है वो हो जाती है। आपने तारीखी किस्म की गलती बताएं, कुछ शेयर करें आज हमसे, अपने को फंबल कोई गलती होगी हो जो आपसे तारीखी किस्म की गलतियां तो कर दूसरों की अमूमन याद होती है, अपनी याद नहीं होती। लेकिन अभी 3 दिन पहले मेरे से एक गलती हुई है बड़े मजे की। गलती ऐसी थी कि हॉस्पिटल्स के बाहर एहतजाज हो रहा था और उसकी वजह ये थी कि उसका इलाज मरीज का सही नहीं हुआ था, तो ये कह रहे थे कि डॉक्टर ने इलाज गलत किए। अच्छा, अब वो बोलते मेरे मुंह से निकल गया कि डॉक्टर ने उसका इस्तेजाज गलत किया, तो वो साहब का लाख आगे पीछे हो जाता है। ऐसी गलतियां हो जाती हैं और ये बड़े मजे की होती हैं और आए दिन आपको पता है ऐसे क्लिप्स वायरल हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। चलें, आप मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम रह गया, आप करें, आपको हम देखते हैं अभी कैसे आप करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर होती है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत खान और यहां पर आपको अहम खबर देंगे। लाहौर जेल रोड के बाहर इस वक्त जो है वो लवाहिकीन के इस वक्त पूरा सा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालिबा ये है कि जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। उनका हुकूमत से मुतालिबा है कि उनके मुतालिबात को तस्लीम किया जाए, उनके मुतालिबात को सुना जाए और जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे वो अपना धरना जारी रखेंगे। ये कहना है आवाम का जो इस वक्त सड़कों पर सराबा एहतजाज है। कहते हैं हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज़ बनेंगे, अवामी मफाद के लिए आए हैं, फिलहाल पीडीएम का हिस्सा है, हमें शो को नोटिस दिए गए हैं जिसका अभी जवाब नहीं दिया, जवाब के बाद सूरत हाल पर राय देंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ नाकली की दरख्वास्तों पर समाप्त, इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी के तहरीरी जवाब जमा करा दिए। काम में लगी हुई चीज़ है इसमें, क्या इसको क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, इसको IFP कहते हैं। IFP स्टैंड फॉर क्या था? Another fumble. नहीं, IFP स्टैंड फॉर इंटरप्टेड फीडबैक, यानी कि फ़ौरन से जो हमें फीडबैक आता है ऊपर से इंटरप्ट करते हैं क्या ब्रेक लेनी है, इसमें ऊपर से जो हमें कोऑर्डिनेट करते हैं ऊपर से। मैं मेरा न्यूज़ का टाइम हो गया, वापस आ रहे हैं। उधर पीडीएम ने पीपल पार्टी और एएनपी को शो पोस्टरों की जारी कर दिए हैं। पूछा गया है कि आपने हुकूमती अरकान को वोट क्यों हासिल किया, आप दोनों के इस अच्छा ये जो हमारा इक्विपमेंट और जो जगह है, बहुत से चैनल्स बड़े बड़े चैनल्स हैं लेकिन उनके पास इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है। ये जो जिप आप देख रहे हैं खाली, इस जिप की जो कॉस्ट और जो इसकी कीमत है यही 40 से 45 लाख के करीब है। 4.5 मिलियन के करीब इसकी लागत है। ये कैंप्स जो है ये लाखों में है, जो कैंप्स लगे हुए हैं लाइटिंग वगैरह, ये आप अगर ऊपर देखें ये पूरी गैलेक्सी है अगर आप इसको ऊपर से देखें लाइट्स। अभी बड़े मजे का मरहला आया सामने, हमारी बड़ी सीनियर एंकर है, ये अक्सर हमसे ना बड़े मजे से ये चीजें हो जाती हैं। वो होता ही है कि अभी ब्रेक ले ली थी और मेरा लिंक देना था। जब दूसरे एंकर का अक्सर नाम लेना होता है तो उसके बाद वो फिर आपको वाइंड अप करने में कई दफ़ा आप चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, ये क्लोजिंग करती करती रह गई। अगर क्लोजिंग हो जाती तो फिर तो तुमने तो मेरे से बड़ी दुआएं बनी। बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा मेरा देहात भी इधर उधर। असल में मेरा देहात पता क्या कहा कि मैंने मजाक का नाम क्या ले लिया है, मुझे मेरा जहन में नहीं रहा। आपने लिंक ब्रेक लिंक लेना है तो हम कई दफ़ा क्लोजिंग भी कर लेते हैं और ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा हुआ है। तो एक दिन तो बल्कि ये था कि इन्होंने मुझसे कहा कि आपने ना ब्रेक लेनी है और मैं फ़ौरन से मुझे मेरे जहन में क्लोजिंग जो लिंक था ना वो आ गया और उसके बाद मैंने ये किया ये कि मैंने फ़ौरन से जो है ना ब्रेक का लिंक क्लोजिंग लिंक देते देते मैंने ब्रेक का लिंक दिया। मतलब कई दफ़ा आपका जो दिमाग होता है ना वो उस तरह से हाजिर जैसा बोले वैसा हो जाता है, ब्रेक करके तो ब्रेक आ जाती है, ब्रेक आ जाती है और अगर मैं क्लोजिंग का लिंक दे देती तो हमें क्लोजिंग करनी पड़ती और न्यूज़ के स्टार्टिंग में ही मतलब हेडलाइंस के बाद हम मैंने देना था खबरों की तफसीलात का लिंक, क्या खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद ना, तो वो अब मेरे मुंह से निकल गया क्लोजिंग लिंक और उसके फौरन बाद जो है वो फिर मुझे उसको कवर करने में जो है वो टाइम लगा कि मैंने एग्जैक्टली कहना क्या।
PDM दो धड़ों में तकसीम, अपोजिशन के अलहदा अलहदा इजलास पार्लियामेंट हाउस में। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारक की सदारत इजलास हुआ। अभी जो है उधर हमें लाइव कट आ गया, लाइव कट से खुश क्यों हैं आप? असल में जब लाइव कट आता है तो आपको जरा मार्जिन मिल जाता है हमारे हिस्से का, फिर वो बोलते हैं। और ये मुझे नहीं, जितने भी एंकर्स हैं वो ही जान सकते हैं लाइव कट की खुशी। यार सब यहां विले बैठे हैं और बड़े खुश हैं, लाइव कट की खुशी क्या हो। आपको बताएं कि लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की यू टर्न लेने की सलाहियत में इजाफा होता जा रहा है और आए रोज हुकूमत यू टर्न ले रही है। ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का, उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर। लोग ये पूछते हैं उसमें हम ऐसे जस्ट एक इशारे वगैरह करते हैं, बस आपस में जस्चर देते हैं दूसरे को, तो वो जो है फिर पूछते हैं कि अच्छा यार ये जब ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद आप आपस में क्या बातें करते हैं। बड़ी मासूम सी लोगों की वो होती है कि मैंने कहा क्या बातें कर रही हैं, वही बात हाँ क्यूरियोसिटी सी होती है। अच्छा फिर आप जबानी न्यूज़ कैसे, ये मिथ्स बनी हुई हैं दो चार जो हमें भी थी जब हमारा इस फील्ड से पाला नहीं पड़ा था, तो ये होती है। और बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि जबानी खबरें पढ़ते हैं और ये आपस में क्या बंदा पूछे हमने क्या आपस में बातें कर रहे हैं। लोग हैं वो समझते हैं कि आप लोग जैसे स्क्रीन पे बड़े सीरियस बड़े कंपोज नजर आते हैं, हम लोग इंटरव्यू में ऐसे तो आपको बताएंगे वजाद साहब के बारे में ऐसे गलत हमें शिकार नहीं होना। अच्छा मैं अकेला नहीं, सारे ऐसे हैं, वो बस फील्ड जो है ना ऐसी हमें मिल गई जिसमें संजीदा दिखते हैं। और आप यकीन करें आप तो जानते हैं, दोस्त हैं हम शुरू से, तो वरना अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये इसी तरह संजीदा मिजाज के होंगे और बात भी शायद खबरों की तर्ज में करेंगे और ये वो। यार लाइफ है हमारी भी, हमारे भी बीवी तो हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे भी होंगे तो हमारे भी फीलिंग्स हैं, हमारा भी मिजाज है, तो लोग ऐसे समझते हैं शायद जो न्यूज़ पे। अच्छा कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें लिटरली आप अपने आसाब पर काबू नहीं रख पाते। मुझे अभी तक याद है स्टार्टिंग में जब मैं पहले अपने न्यूज़ चैनल में था तो APS का वाकया हुआ था। आप यकीन करें कि शुरू में तो था जिस तरह बच्चे ज़ख्मी हैं ऐसे, लेकिन जब वो बच्चों की तादाद बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ हमारे पास आने लगी तो एंकर्स बाकायदा आंसुओं के साथ रो रहे थे और हमसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि जज्बात हैं, छोटे बच्चे हैं, खून पड़ा है और उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना, उस चीज़ को आपने फिर बताना और बोलना, वो बड़ा एक जो है ना मुश्किल मरहला होता है। पर ऐसे मरले और भी मैं आपको बताता हूँ, मेरी असल में 4 बजे की हेडलाइंस है तो एक मिनट रह गया, मैं फिर चेयर पे जाता हूँ तो उसके बाद बाकी। PDM दो धड़ों में तकसीम, ओपोजिशन के अलग अलग इजलास पार्लियामेंट हाउस में। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारक की सदारत में इजलास हुआ। मेरे ख्याल के अंदर जो है ना पाकिस्तानी न्यूज़ इंडस्ट्री में ये सबसे पहला वाकया है कि इस तरह से कोई न्यूज़ स्टूडियो के अंदर आके इतना क्लोजली जो है वो दिखा रहा है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट है। अभी मेरा ख्याल याद है आपने खुद भी इसका नहीं, अभी हमने खुद भी नहीं दिखाया, इवन के काफ़ी जो दोस्त हैं जिनके अपने चैनल्स हैं उनकी तरफ से ये फरमाइशें भी आती रही हैं। यहाँ से जितनी भी डिपार्टमेंट्स है यहाँ से उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि आपको वो टॉप बैग नजर आ रहा है उसके ऊपर आपको 8 और 8 16 बटन की नजर आ रही होंगी यहाँ से, यानी कि यहाँ से बैठ के 16 डिपार्टमेंट से जो है ना उनको लूप में लेके चल रहे हो, कोऑर्डिनेशन सारी यहाँ से कर रहे होते हैं, 4 एंकर होते हैं और 2-3 कैमरामैन होते हैं, नीचे रनडाउन होता है, सबको हम खबर कैसे कहाँ से आनी है और कहाँ तक जानी है और उसके बाद आउटपुट ऊपर स्क्रीन पर जाना है, वो सारा यहाँ से टेक ऑफ है। PCR के बाद अभी है MCR, MCR से क्या बनता है ये बताएंगे मास्टर कंट्रोल। और PCR ये होता है कि पैनल कंट्रोल का, आज आप लोग अपने हाल ले रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा जी, हमने सारा माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस टूर कर ली और बहुत बेहतरीन हमारा एक्सपीरियंस रहा और
ये इतनी आराम से जो है वो रसाई अंदर मुमकिन हो नहीं पाती। मैं खुद भी चैनल में रहा हूँ, लेकिन ये जो एरिया होता है न्यूज़ रूम का और न्यूज़ स्टूडियो का, ये बड़ा नो गो एरिया टाइप एरिया होता है। थैंक्स टू जहाँ भाई सर, आपका शुक्रिया कि आप आए हैं, और फुजान भाई का जो मुझे पता चला कि उन्होंने आना है तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। बाहर तो मिलते रहते हैं, लेकिन चले काम की गर्ज से वैसे भी मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। सर शुक्रिया आपका। चैनल में उन्होंने कहना वैसे ये कि बंदा जो है ना वो रूटीन में भी ये मशीनी अंदाज में बोल सकते हैं, इनका नॉर्मल लहजा नहीं है मुझसे गुफ्तगू करने का। ये आप जनाब और ये है कि यार थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। SOP इसको बाला दाग रखते हुए।